और एक लाश की घटना सुना करके मैं पूरा करता हूं। एक सच्ची घटना है, आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया, वैसा मेहमान तब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थे। उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। उसको लगता है मैं कहां सो जाऊं, बैग में करोड़ रुपए पड़े, कहीं बस स्टैंड सो जाओ, बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको याद आते मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूं। रिक्शा करके गया, खाना खाया, बातें की, सब कुछ की, लेकिन सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसके पास 50 के 100 के 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, रात भर नींद नहीं आएगी। 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर आया, पत्थर लाया, और पत्थर लाकर के, क्योंकि बैग उसकी सिरानी थी, सीधा उस मेहमान के सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया, पति की नींद खुली। पति कहता ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। कहा ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, मैं जेल के सजा होगी, कहां की किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को आप जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी थी उसके अंदर डाल करके वापिस आए, और उनके घर में खून लगा था वो मारने के कारण। रातों रात उन्होंने क्या किया, खून के दाग मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसीलिए भजन है ना, कर्म का लेखा मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीद की, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया उसको, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उसको क्या हो गया, टाइफाइड हो गया। जब टाइफाइड हो गया उनको लगता है इस बच्चे को कुछ ना हो जाए, तो उसको बड़े से हॉस्पिटल में उसका इलाज किया। बहुत खर्चा हुआ, उनके पीछे उन्होंने जो गहने बनाई थी वो गहने बेच दिया और बच्चे का इलाज किया, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ। उसको क्या किया, बड़े से हॉस्पिटल में दिखाया, उसके पीछे उन्होंने गाड़ी ली थी उसको बेची, डॉक्टर की फी दी, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ, उसका टाइफाइड बढ़ता जा रहा था। आखिर उन्होंने क्या किया, उसको और बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, उसके पीछे उन्होंने जो मकान दुकान चालू किया था उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चे को ठीक हो जाएगा, दोबारा सारा मकान दुकान सब लेंगे, कलेक्टर बनने वाला है। उन्होंने लास्ट में उस मकान को बेच दिया, सारा पैसा बच्चे की बीमारी में लगाया, झोपड़पट्टी में चले गए, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी आपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था, वो जिस व्यापारी को मारा था उसकी आत्मा तो मरती नहीं, वही आत्मा बच्चे के रूप में आई थी और सारा पैसा वसूल करके चली गई। ये है ऊपर वाले का डंडा, ये है कर्मों की कोई गति। तो ये मैंने क्यों सुनाया, आज हमारे जीवन में हमने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया और बच्चा को ऐसा पैदा हुआ, गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, पैसा लुटा रहे, वो बच्चा कौन है, ये पिछले जन्मों के हिसाब वाला। और जिन्होंने इस कर्मों की गुई गति को बातों को सुना समझा, ऐसे परिस्थिति में कभी भी हमें तनाव टेंशन नहीं आएगा, निगेटिव विचार नहीं चलेंगे। और ये ज्ञान बाबा यहां में सारा सुनाता है, बच्चे तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहे हैं ये सब पिछले जन्मों का हिसाब है, इसलिए अब हमें कभी भी नया हिसाब नहीं बनाना है। कर्मों की घुई गति को समझ करके चलो, मन आपका चुप रहेगा। नहीं तो कईयों को लगता है मेरे साथ अन्याय हो रहा है, फिर औरों को सुनाएंगे, इसको सुनाएंगे, सुनाने से और ही आपका टाइम वेस्ट हो गया, सुनाने से और ही आप सुनाने से कम होगा, और ही टाइम वेस्ट हो गया, वायुमंडल खराब हो गया, तनाव टेंशन में आ गए। इसलिए सभी निर्दोष है, कोई किसी का दोष है तो मेरा ही कर्मों का है, अपने ऊपर लो और किसी का पर दोष नहीं लगाओ। इसलिए वर्तमान समय इस कर्म गति का ज्ञान होना जरूरी है। और अब हमें कोई गलत काम, क्योंकि हम ज्ञानी बने